स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ए आर्टेमिस, बी ओडिसियस, सी ओडिसी, डी अपोलो 11। आंसर बी ओडिसियस। एक्सप्लेनेशन: अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद लगभग 52 साल बाद अमेरिका का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर चांद की सतह पर उतरा है। अगला प्रश्न: टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए रविचंद्रन अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, सी कुलदीप यादव, डी रविंद्र जडेजा। आंसर ए रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन: रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज है। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन 145 विकेट है। अगला प्रश्न: भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी वाराणसी, डी विशाखापत्तनम। आंसर डी विशाखापत्तनम। एक्सप्लेनेशन: एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमतका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न: चौथी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए श्रीनगर, बी मनाली, सी गुलमर्ग, डी शिमला। आंसर सी गुलमर्ग। एक्सप्लेनेशन: जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देबाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल है।